हेलो मेरे YouTube फैमिली, वेडिंग सीरीज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 अलग अलग साइज के एक ही डिज़ाइन के पाउच, जिसे आप दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसे शादी में वेडिंग गिफ्ट रिटर्न की तरह भी देना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसमें मैं आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 10 साड़ियों को स्टोर किया है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब हम इसमें कपड़े भरते हैं तो बहुत सारे इसमें आप कपड़े को रख सकते हैं। ये मिडल वाले पाउच में मैंने जो है 6 अपने कुर्तीज़ को रखा है, और ये जो हमने इससे भी छोटा स्मॉल पाउच बनाया है, जिसमें आप अपने छोटे मोटे कॉस्मेटिक के सामान को और सेट को रख सकते हैं। और ट्रैवलिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए पाउच है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 20 इंच लंबाई और 34 इंच चौड़ाई के 2 पीसेस लिए हैं। एक इसमें मेन फैब्रिक है और एक इसका लाइनिंग रहेगा। तो इस तरह से हमें 6 पीस की ज़रूरत है 3 पाउच बनाने के लिए। अब मिडल पाउच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है चौड़ाई में 26 इंच और लंबाई में 15 इंच का एक पीस लिया है, जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। और इसके साथ ही हमें इसकी लाइनिंग को भी लेना है। और हमें जो स्मॉल पाउच बनाने के लिए 18 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई का इस तरह से 2 अलग से पीसेस लेने हैं, यानी हमें कुल 6 पीसेस को लेना है। और इन सब को हमें जो बुकरम आता है, पेस्टिंग बुकरम, उससे लगा कर चिपका देना है। और इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर मिडल पाउच का आइडिया शेयर कर रही हूँ, इसके हिसाब से आप बिग वाला और स्मॉल वाला पाउच बना लीजिएगा। और इसी तरह से उसे बनाना है तो हमें क्या करना है, पहले तो हमारे इन दोनों पीसेस के जो सीधा भाग है उसे हमने अंदर की बाजू रखकर साइड में हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी नहीं है, साइड में हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब हम वहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। और सीधा कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर जो इसके कॉर्नर है, यहाँ पर हमें इस तरह से सीधे में ही आपको सीधी ही जिप रख कर लगानी है। और इस तरह से आप इसे लगा लीजिए। तो आपको इस तरह से दोनों बाजू लगा लेना है। कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया, पसंद आ रहा है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आइडिया शेयर कीजिएगा। अब देखिए, इस तरह से हमने तीनों 3 पाउच में रनर भी लगा दिए हैं। अब हमें इसे उल्टा कर देना है। इस तरह से हम इसे उल्टा कर लेंगे और फिर आप इसे बिल्कुल बीच में इस तरह से मिडल में रख दीजिए। और मिडल से आपको इसके हाफ में यहाँ पर निशानी करनी है। और इस तरह से हमें इस तरह से चारों बाजू इस तरह हाफ में निशानी कर लेनी है। और जहाँ पर हमने निशानी की है उसके पीछे की साइड भी हमें इस तरह से निशानी करनी है। तो इस तरह से हमें इसके चारों कॉर्नर पर इस तरह से निशानी करेंगे, और जहाँ पर हमारे कॉर्नर है नीचे वहाँ पर भी हम निशानी कर लेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। और आपको अगर ये आइडिया पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल में आकर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। अब देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल सिंपली हमने जहाँ पर भी निशानी लगाई थी, और ये हमारा मिडल भाग, उसे अंदर जाने देना है। और हमारे ये जो 2 निशानी है उन्हें इस तरह से हमें आपस में मिलानी है। बहुत ही आसान है इस तरह के पाउच बनाने, और इससे आप बहुत ही अच्छा सा जो है वेडिंग में गिफ्ट का बहुत ही अच्छा हमारा आइडिया शेयर होगा। आप अपने घर में भी बहुत सारे इस तरह से पाउच बनाकर इसे रख सकते हैं। और मैंने इसमें एक छोटी सी जो है हैंडल भी डाल दिया है, और इसे दोनों बाजू से साइड से सिल लिया है। और हम सीधा कर लेंगे, हमारा इतना प्यारा सा पाउच बिल्कुल मिनटों में तैयार हो गया है ना, बहुत ही ईजी। मेरा मिशन ही आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने का है। तो मेरे मिशन में मुझे सक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और देखिए कितने प्यारे से हमने ये पाउच बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश तैयार कर लिए। मिलते हैं नए आइडिया के साथ।